everyone, I am Mandira Bedi and this video will teach you how to check a company's basic parameters before investing. Like a company's shareholding pattern? Debt to equity, dividend yield, liquidity in market, growth of revenue, tax or profit after tax. First, right, we talk about company's shareholding pattern. Shareholding pattern indicates promoters, financial institutions and public holding. Promoters yani company the owners. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी एफ आई आई और डी आई आई जैसे इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक यानी कि हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स हम रेकमेंड करेंगे कि आप उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिनमें प्रोमोटर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स पब्लिक होल्डिंग्स से ज्यादा हो विद हायर प्रोमोटर्स एंड इंस्टीट्यूशन टेक वन गेंस हाई कॉन्फिडेंस वायल इन्वेस्टिंग इन कंपनीज विद सिक्योरिटी एंड श्योरिटी इन माइंड जब कंपनी की शेयर प्राइस में गिरावट आती है और आपको प्रोमोटर्स होल्डिंग के बारे में अंदाजा है तो आप ये जरूर समझ सकते हैं कि आप जितना गवा रहे हो उससे कई ज्यादा उनका लॉस होता है तो जब भी प्राइसेस में गिरावट आए तो आप ज्यादा शेयर्स खरीद सकते हैं विद द सेम कॉन्फिडेंस अब हम पता करते हैं डेट टू एक्विटी रेशियो के बारे में the debt-to-equity ratio is a debt ratio used to measure a company's financial leverage calculated by dividing a company's total liabilities by its stockholders' equity. If company company's debt-to-equity ratio below 1 ho, the os company can low debt, a low-risk company mana jata, high debt company ke profit margin per karti. first-time investors go company avoid हाउ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनका बिजनेस ही फाइनेंसिंग है उन कंपनीज में डेट टू एक्विटी रेशियो इग्नोर करना चाहिए अब बात करते हैं डिविडेंड की कंपनीज शेयर पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स शेयर होल्डर्स के लिए ये एक किस्म का एक्स्ट्रा इनकम है एंड इफ ए कंपनी पे रेगुलर डिविडेंट तो ये समझ जाइए कि वो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है डिविडेंड के बाद लेट स्टॉक ऑफ लिक्विडिटी इन मार्केट लिक्विड स्टॉक वो स्टॉक होते हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इंटू कैश क्विकली वो भी कम एक्सपेंस में फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है कि वो लेस लिक्विड स्टॉक अवॉइड करें इन स्टॉक्स द टेस्ट फॉर लिक्विडिटी कैन बी बाय लुकिंग एट द डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम हम रेकमेंड करेंगे कि आप ऐसे स्टॉक्स सिलेक्ट करें जिनकी डेली वॉल्यूम 10 करोड़ से ज़्यादा हो ऐसा करने से आप जब चाहें अपने स्टॉक्स ईजिली बेच सकते हैं अब हम बात करेंगे रेवेन्यू ग्रोथ की रेवेन्यू ग्रोथ शोज इंक्रीज और डिक्रीज इन सेल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इससे पता चल सकता है कि बिजनेस कितनी तेजी से एक्सपैंड हो रहा है रेवेन्यू ग्रोथ का फॉर्मूला है रेवेन्यू ग्रोथ इक्वल्स रेवेन्यू ऑफ दिस ईयर डिवाइडेड बाय रेवेन्यू ऑफ लास्ट ईयर अब हम बात करेंगे टैक्स एक्सपेंस की टैक्स क्या होता है हम सब जानते हैं बट ये जानना जरूरी है कि टैक्स में बढ़त हुई है या टैक्स कम हुआ है क्या कंपनी टैक्स हॉलीडेज के फायदे उठा रही है हाउ मच टैक्स आर दे पेंग कम्पेयर टू लास्ट ईयर ये सारे सवाल बहुत ही अहम सवाल हैं अब हम बात करेंगे आवर आफ्ट आफ्ट इसे हम नेट इनकम या नेट अर्निंग्स भी कहते हैं दिस इज मेजर ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ कंपनी आफ्टर अकाउंटिंग फॉर ऑल कॉस्ट्स। कईयों के मन में यह सवाल होता है कि वाई शुड वन चेक रेवेन्यू टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर इन्वेस्टिंग एक लाइन में बताओ तो कोई लॉस मेकिंग या स्लो ग्रोइंग कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेगा इट इज ऑलवेज प्रीफर टू इन्वेस्ट इन अ प्रॉफिटेबल बिजनेस ये सारे बेसिक पैरामीटर्स चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि कंपनी कितने पानी में है

तो कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करने से पहले ये बेसिक पैरामीटर्स की जानकारी ज़रूर लें और कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्ट करें